कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तान और मेरा नाम है सादिक, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी लोकसभा इलेक्शन 2024 कश्मीर। कश्मीर का मूड इस बार क्या है, क्या सोच रहा है कश्मीर, किसको वोट करेंगे, प्राइम मिनिस्टर मोदी को, राहुल गांधी को, या फिर किसी लोकल पार्टी को, आइए मिलकर देखते हैं ये जबरदस्त सा वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना तो मत भूलिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले टूरिस्ट बिल्कुल नहीं आते थे, बिल्कुल टूरिस्ट कम आते थे, बहुत कम आते थे सर। इस साल बहुत टूरिज्म आने लगे, खाली वादे दे रहे मगर पानी किसने नहीं दिया। 20-25 करोड़ रुपए में ये टंकियां खाली पड़ी हुई हैं, क्या करेंगे हम, क्या वोट दे देंगे हम? मुझे सरकार में बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है? अच्छा है पैसा निकालो और चावल मुफ्त मिलता है। कितना मिलता है? 5 शतक 5। जो एब्रोगेट हुआ है आर्टिकल 370 35A के बाद, हमें लगा कि कुछ हमारे साथ अच्छा ही होगा, लेकिन उतना अच्छा नहीं हुआ है जितना हम उम्मीद करते थे। सर आप जैसे टूरिस्ट ज्यादा आ रहे हैं तो कुछ लोकल इकोनॉमी, कुछ पैसा भी थोड़ा सा बढ़ेगा ना? अगर यहाँ पर ये आएगा, ये खरीदेगा, होटल बनेगी, इसमें दुकान बनेगी, साइड में दुकान बनेगी, बहुत गिले शिकवे भी है। नहीं बिल्कुल, डेमोक्रेसी में जरूर सरकार से अगर नाराजगी शिकायत सब करना है, यही एक खूबसूरती है डेमोक्रेसी में। हैंडफुल ऑफ पीपल जो लोग है जो पाकिस्तान के गुण गाते थे, आज वो भी इसी नतीजे पे हुए कि हिंदुस्तान, आज वो भी समझ गए कि अक्लमंदी है और बेहतरी हमें इंडिया में। यलंटॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी, प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है। यलंटॉप की चुनाव यात्रा है। हम इस समय लोकसभा चुनाव की कवरेज के लिए भारत का भ्रमण कर रहे हैं, और हम फिलवक्त अनंतनाग में हैं। हम यहाँ पर मार्तंड मंदिर देखने आए थे, ललितादित्य मुक्ता पीठ के समय का बना ये मंदिर, 13 साल पुराना। जर्नलिज्म में हमें सिखाते हैं कि एक ही जगह से सारे सैंपल कलेक्ट नहीं करने चाहिए, लेकिन जब हम मंदिर देख के आए, मंदिर के अंदर भी हमारी 2-3 नौजवानों से बात हुई, इत्तेफाकन एक नौजवान नेशनल कॉन्फ्रेंस सपोर्टर था, एक PDP और एक BJP, तो उनकी चर्चा हुई जो आप मंदिर वाले वीडियो में देख सकते हैं। बाहर आया मैं ऐसे ही इन जनरल, इन भाई साहब से मेरी क्वेरी थी कि यहाँ मंदिर है, इतने टूरिस्ट आ रहे हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किस तरह से बढ़ रही, तो इन्होंने कहा कि इस साल से टूरिस्ट का फ्लो आना शुरू हुआ है, क्योंकि अब ये जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट भी इसको प्रमोट कर रहा है। फिर दिखते हैं बताने क्या क्या हो सकते हैं। तो मैंने कहा ये बात आप कैमरे बोलोगे? तो बोले बिल्कुल बोल देंगे, जो अच्छा है जो बुरा है। तो हमने कहा बिल्कुल बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सजाद अहमद खान सर। सजाद अहमद खान साहब, कितनी पुरानी दुकान है? दुकान हो गई कोई 10 साल यहाँ पे सर। 10 साल। और टूरिस्ट के फ्लो को लेकर क्या बता रहे थे आप? टूरिस्ट के लिए हम बहुत खुश हैं इस साल के लिए कि इस साल ज़्यादा टूरिस्ट आने लगे यहाँ पर। इसी साल से आ रहे हैं? इसी साल से आ रहे हैं ज़्यादा टूरिस्ट। हम DC साहब का शुक्रिया करना चाहते हैं कि जिन्होंने ये टूरिज्म को दिया है, कि जिससे हमारे को यहाँ पर थोड़ा काम धंधा अच्छा चल रहा है, क्योंकि अब ASI से टूरिज्म के पास। हाँ जी सर, बिल्कुल टूरिज्म के। पहले टूरिस्ट बिल्कुल नहीं आते थे? बिल्कुल टूरिस्ट कम आते थे, बहुत कम आते थे सर। इस साल बहुत टूरिज्म आने लगे यहाँ पे। यहाँ पे काफ़ी पहले एक फिल्म की शूटिंग भी हुई थी यहाँ सर, हैदर पिक्चर की यहाँ शूटिंग हुई थी, तो मन की आंखें भी यहाँ पर शूटिंग हुई थी, और लव स्टोरी की यहाँ पर शूटिंग हुई थी सर। आंधी की वो इतनी पुरानी गुलजार वाली, गुलजार डायरेक्टर गुलजार वाली। तब तो काका आप जवान रहे होंगे। हाँ मैं उसी वक्त यहाँ पर काम ही करता हूँ। आप यही काम कर रहे थे उस वक्त? तो इतने मुलाजिम यहाँ पर नहीं थे उस वक्त, मेरा बाप था इसी में, वो सीनियर मॉन्यूमेंट अटेंडेंट था, बस अकेला था उस वक्त यहाँ पर, क्योंकि उस वक्त तो इतने गार्डन भी ऐसा नहीं था, बस खाली ये पड़ा हुआ था, पत्थर पड़े हुए थे जब यहाँ पर आंधी की शूटिंग हो गई थी। अब तो लेकिन गार्डन बहुत सुंदर। हाँ गार्डन तो अब डिपार्टमेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं, डिपार्टमेंट कर रहे हैं बहुत। अच्छा ये बताइए गांव आपका कौन सा है? यही सर हमारा गांव है रणबीरपुरा। जी सर, तो अब टूरिस्ट यहाँ पड़ रहे हैं, क्या करना चाहिए सरकार को? सर हम यही गुजारिश करना चाहते हैं कि यहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा लोग आते हैं, कि यहाँ पर पार्किंग की बड़ी किल्लत है, यहाँ पर रोड सही नहीं है, रोड बिल्कुल तंग है, बड़ी परेशानी होती है यहाँ पर टूरिज्म के लिए, यहाँ पर पार्किंग नहीं, सबसे पहले पार्किंग होनी चाहिए सर यहाँ पे, कि टूरिस्ट बढ़ रहा है तो पार्किंग की दिक्कत होगी। हाँ। जाम भी लगेगा। हाँ। बिल्कुल सर यहाँ जाम हो जाता है बिल्कुल, या लोगों को भी सिविल लोगों को तक भी दिक्कत होती है चलने फिरने में। और क्या किया जा सकता है?
और सर यहाँ कुछ कैफे वगैरह होटल वगैरह खुले यहाँ पर? सर अगर पार्किंग होगी यहाँ पर कहीं जगह पे तो आप खोलो, हमारा काम भी धंधा अच्छा चलेगा। होटल खोलेंगे हम, अभी क्या काम धंधा है यहाँ पे? चाय की सुविधा रखेंगे हम यहाँ पर, हर चीज की सुविधा रखेंगे, तभी तो जब यहाँ पर थोड़ा ये रोड शोड या पार्किंग होगी तभी तो हम जाके कुछ करेंगे। अच्छा, यहाँ पर बहुत बेरोजगारी भी है, कुछ लड़के ऐसे घूम रहे हैं बेचारे पढ़े लिखे जिनकी जिनके अंदर कोई रोजगार नहीं है, कुछ नहीं, खाली घूमते फिरते रहते हैं। तो अगर हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट को, डीसी साहब को कि यहाँ पर थोड़ा, सबको तो सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, और क्या कर सकते हैं? काम धंधा तो हमारा यही रोजगार यही चला करते हैं यहाँ के लोग। क्या करते देखो हैं? अभी सेब के बाग है, सेब के बाग हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं। ये मेरे पीछे सब लोग कहाँ चला रहे हैं? आप आइए, आप तो ललन टॉप के सब्सक्राइबर हैं भाई साहब, आइए। हाँ, बात नहीं करेगा कोई। अच्छा, ये बताइए कि 2019 के बाद हालात कैसे हुए हैं? बिल्कुल सर, 2019 के बाद बिल्कुल हालात सही हुए हैं यहाँ पर, कोई गड़बड़ नहीं, कुछ नहीं, एकदम अमन से लोग रह रहे हैं, जी रहे हैं। पहले मेंटेनेंसी थी? पहले तो थी सर, पहले थी। क्या वजह थी? वजह यही है मेरे ख्याल में, ये बेरोजगारी का मसला है, बाकी कुछ नहीं है सर, बेरोजगारी का मसला यहाँ पर सर। यहाँ पर इतने इंटरेस्टेड नहीं है, कोई काम धंधा ज़्यादा नहीं यहाँ पर, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा काम है यहाँ पर ये फ्रूट के ऊपर चलते हैं कुछ लोग, उसी से हमारा खर्चा चलता है, काम नहीं था। तो यहाँ से अब जैसे अल्ताफ लड़ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से, पीडीपी से महबूबा मुफ्ती हैं, और अपनी पार्टी से हैं मिन्हास। हाँ, क्यों महबूबा मुफ्ती बुरी तरह हारी थी 19 में यहाँ पर? मेरे को उस चीज़ का पता नहीं है, पॉलिटिकली तो मैं कुछ भी डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। एनी अदर क्वेश्चन वो मैं क्लियरली आपको बता सकता हूँ। एनी अदर क्या, किस चीज़ पे बात करना चाहते हैं? किसी भी रिगार्डिंग टूरिज्म, रिगार्डिंग डेवलपमेंट, रिगार्डिंग क्या डेवलपमेंट, कुछ हुआ है डेवलपमेंट यहाँ? देखा जाए तो मतलब अभी तो इंक्रीज मतलब थोड़ा सा हुआ है डेवलपमेंट होने में, क्या? जैसे रोड का देख रहे हैं, बाकी चीज़ों का देख रहे हैं, ओवरऑल तो वैसी उतनी डेवलपमेंट हुई नहीं है। तो अगर पर्टिकुलरली टूरिज्म सेक्टर की बात कर ले, जैसे ये वाली हिस्टोरिकल प्लेस है यहाँ पर, मसला ये है कि इनकी सबसे मतलब मेरे हिसाब से गवर्नमेंट की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे होती है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकी लाइटिंग ही हमें नहीं है यहाँ पर, रोड सही नहीं है हमारे यहाँ पर, एजुकेशन सिस्टम ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, तो उन चीज़ों की वजह से थोड़ा सा, क्योंकि देखा जाए हमारे यहाँ कश्मीर के 16 डैम्स है, मतलब हमारी यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जबकि बाहर के स्टेट्स को तो मतलब आराम से 24 आवर्स रहती है, हमारे यहाँ तो 2 घंटे भी हार्डली नहीं मिलती है। Fact, 2 घंटे नहीं आती? 2 घंटे नहीं क्या है, वजह किसी से भी, लोकल से भी पूछो यहाँ से, देर इज मतलब मेरे हिसाब से तो कहीं ना कहीं पे तो वो तो प्रॉब्लम है बिजली। हाँ, देखो कुछ चीज़ें होती है जो गवर्नमेंट की बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जैसे मैंने पहले, जैसे यहाँ जो पहले गवर्नमेंट थी पीडीपी की, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उस समय पर कितने कैसे हालात थे? मैं बेसिकली मैंने जो मुंह से पढ़ाई की है उस समय में यहाँ पर नहीं था, मतलब वो चीज़ें मैं डिस्कस ही नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उससे अगर कंपेयर किया जाए उस हिसाब से अभी हालात बहुत ठीक है, उस हिसाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से बेहतर है। मेरे को वो चीज़ें डिस्कस ही नहीं करनी, भाई साहब आपको नहीं करनी है, मुझे तो सबकी बात करनी होगी ना। वो चीज़ सही है, मतलब मैं उस एज में नहीं आता हूँ, मुझे इन चीज़ों का कुछ पता नहीं है। जैसे आप बताइए अंकल, आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस का दौर देखा, पीडीपी का दौर देखा, अभी गवर्नर रूल है, क्या फ़र्क है तीनों में? तीनों में तो बहुत फ़र्क है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी था उस वक्त अफसरशाही चल रही थी यहाँ पर, क्योंकि अफसर तो जो काम ठीक तरह से नहीं कर रहे थे। जब अब गवर्नर राज है यहाँ पर, अब तो डॉक्टर भी उनको पहले जाते थे 10 बजे से 4 बजे, अब तो गवर्नर साहब क्या हुक्म है कि 9 बजे से 5 बजे तक अस्पताल में रहो, तो रहते हैं बराबर रहते हैं। जो भी मुलाजिम ड्यूटी पर जाता है पहले गया सा वो अंगूठा लगाते हैं तो फिर उनकी हाजिरी हो जाती है, वरना तो जिसको मर्जी था वो आता जाता था, उस वक्त तो ये कोई उनको पूछने वाला नहीं था। अब गवर्नर जो इनकी हुकूमत है इसमें तो बहुत हमारे काम भी निकलते हैं, दफ्तर में जाते हैं तो बहुत काम निकलता है। ठीक बोल रहे हैं, बताइए साहब, एक्यूरेसी बढ़ गई है? एक्यूरेसी बढ़ गई है, बोल रहे हैं पहले मुलाजिम बैठते नहीं थे दफ्तर में, अब बैठने लगे हैं। बिल्कुल सर, जब से बीजेपी आई ना, जब से बीजेपी की हुकूमत आई है तब से बहुत आराम मिला लोगों को। देखो पहले हम जाते थे किसी अफसर के पास किसी कागज को दस्तखत करवाने के लिए तो साल भर लगता था वहाँ पर जाकर, साल भर
तो अभी जाकर कोई भी कागज़ हम ले जाते हैं, किसी कागज़ को दस्तखत करवाना हो तो कम से कम 5 या 10 मिनट में काम हो जाता है आजकल। क्यों, आजकल मुलाजिम अपने टाइम पर ड्यूटी आते हैं, काम करने वाले मुलाजिम आते हैं और किसी को रोक थाम नहीं है, किसी को कुछ नहीं है, बिल्कुल सिफारिश नहीं चलती आजकल, आज एक जैसे हैं सभी, तो आजकल बहुत काम चल रहा है। आपको लगता है यहाँ जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जल्दी असेंबली इलेक्शन होंगे, तब थोड़ा पॉलिटिकल एक्टिविटी और बढ़ेगी, कौन जीतेगा तब? अभी सर इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते हैं, पहले तो वो तो वक्त ही बताएगा आगे जाकर। हम भी दोबारा आएंगे, ठीक है, इंशाल्लाह। हाँ, हाँ, और क्या, हाँ आ जाओ, मैं तो परिवार के साथ घूमने भी दोबारा आऊंगा। हाँ, खुद भी आप देखोगे, बिल्कुल सर, ये ठीक है, अगर आओगे तो आप भी खुद देखोगे यहाँ पर कैसा चलेगा। यहाँ वोट मांगने महबूबा मुफ्ती या उमर अब्दुल्ला या कोई आए हैं? नहीं अभी, नहीं अभी आए नहीं, आए घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं तो यहाँ अभी आए नहीं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शबी। क्या करते हैं शबी साहब? बस अभी बैठा हूँ घर पे। पहले आर्मी में, था। फौज में थे? हाँ। कौन सी यूनिट में थे? जैकलाई में था। जैकलाई में थे। कब रिटायर हुए आप? 94 में। अच्छा शबी साहब, जब हम लोग बुक्स में पढ़ते थे तो बताया जाता था कि अनंतनाग और इसके आसपास के इलाकों में साउथ कश्मीर में पहले मिलिटेंसी बहुत थी, अभी क्या हालात हैं? अभी तो ठीक है। कैसे ये बदल कैसे गया? ये बदल गया, हुकूमत ने बदल दिया और क्या। पहले बीजेपी ने कर दिया इसका पूरा कल्याण। हाँ, क्या कल्याण कर दिया? मतलब खत्म कर दिया मिलिटेंसी। और क्या, कैसे खत्म की, क्या ऐसा किया बीजेपी ने? बीजेपी ने जो छोड़ा नहीं कोई मारने के बगैर, तो खत्म हो गई था अभी, ठीक है ना। जो भी ये शक्ति पहले नहीं थी, कौन सी शक्ति? जैसे मिलिटेंसी पहले थी तो बीजेपी ने, अभी तो नहीं है। हाँ? अभी नहीं है। हाँ। तो पहले क्यों बढ़ गई थी इतनी, क्या हुआ था ऐसा? पहले तो बढ़ गई थी, पहले क्या वजह क्या थी? तब हुकूमत ही अलग, अभी हुकूमत गवर्नर की, हुकूमत क्या गड़बड़ कर रही थी तब? हाँ, तब क्या गड़बड़ कर रही थी हुकूमत? ये हुकूमत के होते साजिश होती क्या होती है, कोई भी जब कोई कांड होता तब हुकूमत का हाथ होता है इसमें, ये कोई अकेला नहीं कर सकता है। जब भी कोई कांड होगा तब हुकूमत का साथ होगा उसमें। अच्छा, यहाँ वोटिंग परसेंटेज इतना कम क्यों रहता है? जैसे मैं देख रहा था पिछली बार 13% 17% ना, वोट इतना कम क्यों डाला जाता है अनंतनाग में, लोग वोट क्यों नहीं डालते हैं? लोगों को तो अभी दिल होगा ना ठंडा, अभी दिल मतलब ये मतलब दिल नहीं करता किसी को वोट डालने का। जैसे इस वक्त ले लो आप, इस वक्त की पोजीशन, हम खाली फीस भरते हैं, बिजली वाला फीस पावर हम देखते नहीं है, चाहे गवर्नर का राज हो चाहे किसी का भी राज हो, खाली 1400-1500 हो गए बिजली फीस एक मंथ। बिजली बिल आता है, बिजली नहीं, बिजली बिल आता है, बिजली नहीं आता है। अब यहाँ क्या कैरियबल का ले लो आप, जो हमारा इलाका है इसमें पानी की बहुत प्रॉब्लम है, जो भी मिनिस्टर आता है, जो भी हुकूमत आती है, हम कैरियबल को पानी देंगे मगर किसी ने नहीं दिया। ये सब गवर्नर से, बीजेपी से, चाहे नेशनल था चाहे कांग्रेस से, सब हुकूमत फेल है कैरियबल को पानी देने में। खाली वादे दे रहे मगर पानी किसने नहीं दिया, पानी नहीं दे रहे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सफर बिजली और पानी, बिजली और पानी बहुत गलत है। एक आधा घंटा छोड़ते हैं, 10 मिनट छोड़ते हैं, मगर महीने के बाद 1500 फीस होना चाहिए हाथ में। ये प्रॉब्लम है इधर, और मेन प्रॉब्लम भी यहाँ की है, जो हमको पानी नहीं है, नहर का पानी डालते हैं, जो पहलगाम से पानी आता है नहर का, वो सब गंदा पानी होता है, उससे बीमार बच्चे भी बीमार पड़ते हैं, बुखार चढ़ता है। आप पीएचई डिपार्टमेंट का ले लो, वो फीस लेते हैं हमसे मगर पानी कोई फिल्टर शिल्टर नहीं करते हैं, वो इसी नहर का पानी छोड़ते हैं हमको, बाकी कोई गंदा पानी। अगर आपको दिल करेगा पानी पीने का, आप नहीं कर सकते, आप नहीं पी सकते। फिर क्या, कैसे पीते हो आप लोग? बस गर्म करके बॉइल कर पीते हैं, मजबूर है, हम तो मजबूर है, फिल्टर रखे घरों में, बॉइल करके पीते हैं, फिल्टर में डाल के पीते हैं, फिर फिल्टर करते हैं उसको, फिर पीते हैं। पावर की प्रॉब्लम कितनी है? ये पानी की दिक्कत कब से चल रही है? ये पानी की जब से हम पैदा हुए, जब आपसे हम पैदा हुए, बस खाली हर एक गवर्नमेंट आती है, हम ये करेंगे वो करेंगे, किसी ने नहीं कुछ नहीं किया। मुफ्ती ने यहाँ पर टैंकी बनाई, 2-3 टैंकियाँ बनाई, मगर तकरीबन 15-16 करोड़ में, मगर जब पाइपें डाल ली तो पाइपें लोगों ने ले ली, लोगों ने ले ली, हाँ, उस पर काम ही नहीं हुआ। जब उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले आए, उन्होंने सिटी लाए उसमें, क्योंकि उनका अपने अपने लड़ाई होती थी पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान। अब तो वही उम्मीदवार हमारे आ रहे हैं वोट मांगने के लिए, क्योंकि वो यहाँ रियाज खान एक है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, उसने पीडीपी को बोला कि हम वहाँ से पानी, चित्रकूट से पानी नहीं लेंगे। अब तो वही वोट हमारे वोट मांगने के लिए आते हैं मियाँ अल्ताफ के लिए, वही लोग आते हैं हमारे वोट मांगने के, जिनने हमारे पानी को सिटी लाया, क्योंकि उन्होंने हमारी वो पाइपें लोगों ने ले लिया। अब वो 20-25
करोड़ रुपए में ये टंकियां खाली पड़ी हुई हैं, क्या करेंगे हम, क्या वोट दे देंगे हम, किसको दे देंगे वोट, किन ने इन्होंने हमको बर्बाद कर दिया। तमाम पार्टियां या ऐसे ही हैं, तमाम पार्टी ये इसी गांव का हाल है या आसपास भी है? है इसी गांव का हाल है, इसके आसपास जो है नजरअंदाज किया जाता। रामपुर, गोपालपुरा, सत्र मैदान, चिट्ठी सिंहपुरा, ये तमाम किशनदास, ये पूरा इलाका जो है, ये 7-8 गांव जो है इसी पानी पर चल रहे हैं, मगर पानी नहीं है, मेन प्रॉब्लम यही है। इनसे ही बात कर लेते हैं, क्या क्या हो गया इनको, अंकल को बीमार है, ठीक नहीं है, तबीयत खराब है, कहाँ इलाज चल रहा है, सरकारी अस्पताल में? नहीं नहीं नहीं, प्राइवेट चल रहा है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है आसपास? गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, मगर देते कुछ नहीं, खाली बस लिख कर दे दिया, बता दिया मैंने आपको। आपको कुछ याद है क्या कह रहे हैं? इधर पानी कुछ नहीं, गंदा पानी है। हाँ बताया उन्होंने। क्या नाम है आपका? आपका नाम है अब्दुलहमीद बलिक। क्या करते हैं? बेकार आदमी है, क्या करना है? अरे रोजी रोटी के लिए कुछ तो करते हो। रोजी रोटी बाग में ये मजदूरी वजदूरी करता है, मजदूर। एक बात है सर, जो पानी ये पावर है, जहाँ यहाँ पर कश्मीर में ही ये पावर, यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है ये कश्मीर के हैं, मगर जो हमारा पावर ये बाहर बाहर के मुल्कों में जाता है, बाहर के स्टेट में जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये है ना सलाल प्रोजेक्ट है, ये लवर जैलिम है, ये बहुत से प्रोजेक्ट है, मगर हमारे लिए पावर नहीं है, ये सिर्फ बाहर जाता है, हमको सिर्फ रात को 2 घंटे पावर डालते हैं। और यहाँ जब नेता आते हैं या अभी अधिकारी, उनसे पूछा क्यों नहीं दे रहे हैं बिजली, क्या बोलते वो हैं? बोलते हैं कि हमने ये फारूक अब्दुल्ला साहब ने और उन्होंने ये ठेके पर दिया, उनको भेज दिया है, ये कागज उन्होंने चोरी से रखा है। वोट के लिए कुछ कुछ नहीं बोलते हैं, मगर हमारा पावर जो है वो बाहर के स्टेट में जाते हैं, वोट के लिए कुछ बोल सकता है, वो बोलेगा मैं आपके मतलब लड़की दूंगा शादी के लिए, मगर मुझे वोट डाल दो, ये भी बोल देते हैं। हाँ वो बोलेंगे वो, मगर ये सब सब झूठे बातें, सब झूठे बातें। हम वोट नहीं देते। कोई आपको लगता है कोई ऐसा नेता हुआ है जिसने अपने कहे का जो कहा हो वो किया हो, कोई ऐसा कश्मीर में नेता हुआ है? किसने किया? नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ, किसने कुछ कोई नहीं, हमारे गांव में कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं है हमारे गांव। सब लोग वहाँ दिल्ली में बोलते हैं कि मुफ्ती मोहम्मद सईद अनंतनाग के नेता थे, 20-22 करोड़ के पीपीजी ने पाइपें डाल दिए और नेशनल ने उसमें स्टे लाया, अब ये क्या करेंगे? वो जो रियाज खान है वकील, उसी ने स्टे लाया। अब तो भैया हमें वही आ रहा वोट मांगने के लिए, अल्ताब के लिए वोट मांगने के लिए आता है, क्या दे देंगे हम वोट, क्या वोट दे देंगे हम, यही बात है ना, हम तो परेशान है। स्कूल है आपके गांव में? स्कूल तो है, हाई स्कूल है, हाई स्कूल है। हाँ हाई स्कूल है। वहाँ कैसी पढ़ाई होती है? पढ़ाई तो अच्छी होती है, पढ़ाई अच्छी है, मगर ज्यादा गलती है सिर्फ पानी का, बेपावर पानी और बिजली दो, ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा। यहाँ पर ये टूरिस्ट के लिए यहाँ पर तो ये पार्किंग नहीं है, इसके लिए सर अब जैसे टूरिस्ट ज्यादा आ रहे हैं तो कुछ लोकल इकोनॉमी, कुछ पैसा भी थोड़ा सा बढ़ेगा? बढ़ेगा ना, अगर यहाँ पर ये खरीदेगा, होटल बनेगी, इसमें दुकान बनेगी, साइड में दुकान बनेगी, बहुत ये लोग भी बहुत है यहाँ पर, रोजगार मिलेगा इनका, होटल डाल देंगे, ये बड़े बड़े दुकान डाल लगा देंगे, स्टॉल डालेंगे, कपड़े शॉल भेज देंगे यहाँ। अच्छा कानून की हालत कैसी है अभी? कानून की हालत ठीक है, ठीक बेहतरीन हालत है यहाँ पर। हाँ, मिलिटेंसी नहीं? नहीं नहीं, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी, डीसी साहब भी, एसोसिएशन साहब भी, एसपी साहब भी, तमाम। क्या नाम है आपका? आप मजीद खान में है, मजीद खान अली मोहम्मद खान। अच्छा क्या करते हैं मजीद खान साहब? बैठोगे, मजदूरी वजूरी है। मजदूरी कितनी मजदूरी मिलती है आप? मजदूरी क्या खाया है? मोदी सरकार में अच्छा है। क्या अच्छा है? मोदी सरकार में अच्छा है मिनिस्टर, मोदी सरकार में बहुत अच्छा है। क्या अच्छा है? अच्छा है पैसा निकालो, चावली मुफ्त, सब्सिडी, नेशनल चावल मुफ्त मिलता है। कितना मिलता है? 5 ट्रक 5 हाँ मैं आ रहा हूँ, 5-8 ट्रक 500 2,000 रुपये बिल्कुल मुफ्त। अच्छा हाँ, नेशनल कांग्रेस बहुत चोर है, रिश्तेदार में हम मुझे सरकार में अच्छा। रिश्तेदार में बांट देते थे वो है, नेशनल और कांग्रेस वाले क्या करते थे? चोरी है। हाँ, क्या चोरी करते थे? गरीबन गुरबाजन ऐसे वातन किया, पन्ने रिश्तेदार ऐसे वातन, पहले रिश्तेदार। हाँ मुझे सरकार में अच्छा है। जी क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल खान है, द ललन टॉप हम सोशल मीडिया पर देखते हैं। अच्छा आप देखते हैं? आपके इंटरव्यू बढ़िया रहे हैं, आमिर खान के साथ देखे हैं, अवध सर के साथ देखा है, और बहुत सारे जो सेलिब्रिटी है उनका देखा है, और आपके बाकी के हम कायल है।
थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल खान है, मैंने एमफिल किया है इकोनॉमिक्स में। अरे वाह, कहाँ से? जी जी, कश्मीर यूनिवर्सिटी। आप मुझे बिल्कुल सही व्यक्ति मिल गए हैं साहब। आप ये बताइए मुझे, अनंतनाग के इलाके की और साउथ कश्मीर के इलाके की इकोनॉमिक समझाइए, मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? एक तो एप्पल फार्म है। बिल्कुल, हमारे जो मेन यहाँ है, पहले है टूरिज्म, ज्यादा कंट्रीब्यूशन टूरिज्म का है। कहाँ किन इलाकों में आते हैं टूरिस्ट? अगर हम अनंतनाग की बात करेंगे तो अनंतनाग में आप देखोगे वेरी नाग देखोगे, अच्छा बल देखोगे, कुकरनाग देखोगे, मार्टन सन टेम्पल देखोगे, डक्सुम देखोगे, संथन टॉप देखोगे, और बहुत सारी ऐसी जगह है जिनकी अभी भी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई है, लेकिन लोकल लोग जाते हैं। लोकल तो बाहर के आते हैं अभी? बाहर के अभी उनको वहाँ के ज्यादा मालूम नहीं है, उनका प्रचार अभी नहीं है। दूसरा जो हमारा है वो है हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर हो जिसमें हमारे सेब आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई नहीं, हॉर्टिकल्चर हमारा जो है वो मेन है इसमें। हॉर्टिकल्चर में हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी है, और जहाँ सेब की बात हो रही है तो अगर हम देखेंगे कि सेब का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है यहाँ, सेब का अनंतनाग अगर हम देखेंगे, अनंतनाग में जो वसाइल है जो एब्रोगेट हुआ है आर्टिकल 370 35A के बाद, हमें लगा कि कुछ हमारे साथ अच्छा ही होगा, लेकिन उतना अच्छा नहीं हुआ है जितना हम उम्मीद करते क्या, थे। क्या आप उम्मीद कर रहे थे और क्या नहीं हुआ? हमें लगा कि यहाँ जो मुफ्तीज़ है, यहाँ अब्दुल्लाज है, उनके हटने के बाद हमारे साथ कुछ और अच्छी चीज़ें हो जाएगी। अभी 2024 चल रहा है, आज भी हम नहर का पानी पी रहे हैं, नहर का पानी पी रहे। आपके साथ मैं एक वाक़ा शेयर कर रहा हूँ, जब हम फिल्टर ये प्योरीफायर वाटर प्योरीफायर लाने गए तो एक बंदे से मैंने कहा, दुकानदार से, कि हमें वाटर प्योरीफायर चाहिए, तो जो एक उसने कहा कि आप ये वाटर प्योरीफायर लो, 1,00,000 तक जो जर्मस है वो इनको किल करेगा। मैंने कहा अगर 1,00,00,000 जर्मस हो? कहा क्या आप नहर का पानी पीते हो? मैंने कहा बिल्कुल। तो उसने कहा नहीं, फिर आपको ये प्योरीफायर नहीं लगेगा। आज भी 2024 में हम नहर का पानी पी रहे हैं, और इसके अलावा अगर हम बिजली देखेंगे, 531 हमें आता था पर मंथ बिजली की बिल, जो लगभग 1500 से 1500 हुई है, और बिजली 1-2 घंटे रहती है, बड़ी कटौती रहती है। अगर ओवरऑल हम देखेंगे तो जो इकोनॉमी है J&K की, एस्पेशली अनंतनाग की, वो बहुत कम है, बहुत कम है। कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या करना चाहिए इसमें? एक तो मुझे समझ में आ गया कि पीने का पानी साफ आए, पहली चीज। दूसरा बिजली, बिल्कुल बिजली का, ऐसा तो नहीं कि बिजली का बिल विल लोग टाइम से जमा करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं, कई जगह बिजली डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि लोग बिल जमा नहीं करते, उनकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो अनआइडेंटिफिकेशन है, जो IDs है, उन्होंने नई नई IDs भी खोली है, जो पहले चोरी करते थे या चोरी के कनेक्शन, उन्होंने भी पहले होती थी, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होती थी। अब हाँ बिल्कुल, ये मेरी बेटी है, अनम इकबाल इसका नाम है, अनम, हाँ अनम इकबाल नाम है इसका, स्कूल जाती है? ना अभी नहीं, अभी 4 साल की नहीं हुई है। तो ये बच्चे जो हैं सब ये यही लोकल में स्कूल? हाँ ये लोकल में जाते हैं, और प्राइवेट सेक्टर भी है। और एक और आपके वसादत से, आपके चैनल के वसादत से, हम मोदी सरकार से और LG सरकार से ये अपील करते हैं कि टूरिज्म और हॉर्टिकल्चर पर खासा ध्यान दें। और हमारे ड्राइवर लोग जो है वो बहुत मुश्किलात से दो चार है, टूल टैक्स ज़्यादा देना पड़ रहा है इनको, उसमें कुछ कमी आ जो रेट होगा वही देना पड़ता होगा। ना इसमें क्या है, अभी पता नहीं कि आप किस तरह इसको लोगे, कि जो हमारा RAD हाईवे है ना, उस पर मिल्ट्री जो ज़्यादा होती है, मिल्ट्री की ज़्यादा इंटरफेरेंस होती है रादर देन लोकल्स की। तो सिक्योरिटी की वजह से होता ना? वो सिक्योरिटी तो ठीक है, लेकिन इनके लिए कोई और व्यवस्था होनी चाहिए, आम लोगों के लिए सिक्योरिटी के प्रायोरिटी तो सिक्योरिटी को ही। कॉन्वॉय चलता है तो रोक दिया जाता है, इवन के एम्बुलेंस को रोका जाता है। आज भी आप देख रहे, तो पिछले मंथ मेरा एग्जाम था वहाँ, मैं टाइम पर नहीं पहुँचा, पटवार का था, तो लगभग 1-1.5 घंटा लगता है यहाँ से श्रीनगर 71 किलोमीटर से, लेकिन मैं 3.5 घंटे के बाद वहाँ पहुँचा, फिर मुझे अलाउ नहीं किया। पुलवामा अटैक के बाद से सिक्योरिटी फिर? हाँ हाँ, वो तो है। मैंने पूछा ना कि 370 से हमें फ़ायदा क्या हुआ, हमारी जो माइनिंग है, जैसे हम जहाँ जो यहाँ काम करते थे माइनिंग में, माइनिंग जो हो रही थी, जहाँ से हम मिट्टी उठाते थे, मिट्टी में हमें 7-8 तरह के परमिशन लाने पड़ते हैं। अगर मेरे बाग से मिट्टी उठानी है, फिर हमारे यहाँ
लगानी हो, मिट्टी डालनी हो, तो उसमें हमें रॉयल्टी देना पड़ता है, बहुत सारे टैक्सेस देने पड़े जो हमारे साथ ठीक नहीं हुआ। तो बाकी स्टेट में भी ना 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 कहाँ है आप बोल रहे हैं ना, एब्रिगेट जो आर्टिकल 370 के बाद क्या हुआ। हाँ सबसे बड़े खान साहब, अगर आपको बाकी स्टेट की तरह सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स का फायदा मिल रहा है तो बाकी स्टेट की तरह आप टैक्स भी दोगे? हाँ टैक्स तो दे रहे, जीएसटी आपको पता है हम 18 18 36 तो सब लोग दे रहे थे, वो तो वन टैक्स वन नेशन, उसकी हम थोड़ी मुखालफत कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि हमारे साथ कुछ ये है, जैसे अभी आपका है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में आप देखो, और हमें आर्टिकल 370 से जितना हमें लाभ गिनने को मिला वो वैसा तो नहीं मिला हमें। अब यूटी जो लोग तो डिमांड कर रहे हैं कि यूटी से स्टेट बन जाए, स्टेट उठ जाए, ऐसी वाहिद रियासत है जिसको आपने यूटी बनाया है, और डिलिमिटेशन के बाद अपने फायदे के लिए आप वोट बैंक जोड़ने के लिए आपने डिलिमिटेशन करवाया। अच्छा। वो तो सीधी सी बात है, वो तो लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज के साथ उठना बहना हमारा रहा है इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ। अच्छा, आप कांग्रेस के नेता थे? कांग्रेस में जब यहाँ राहुल गांधी जी आए थे, अजहरुद्दीन आए थे और प्रियंका जी आई थी, वहाँ मेरा भी कांग्रेस के वर्कर हो या लीडर हो? उस वक्त मैं एज ए पोल एजेंट रहा हूँ इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इंडियन कांग्रेस यहाँ पे अभी किसको लड़वा रही है? अभी तो कांग्रेस ने, आप नाराज दिख रहे थे अभी, कह रहे थे कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी वो दूसरी चीज है। आम इंसान क्या चाहता है? इज्जत से रहना, उसका खाना पीना, उनकी मुश्किलात कम हो। जी तो व्यूअर्स, वीडियो में देखा, वीडियो था कश्मीर से, कश्मीर के इलाका है अनंतनाग, और वहाँ के लोगों की राय क्या है, किसको वोट करना चाह रहे हैं, क्या वहाँ के हालात हैं। तो कश्मीर के ऊपर हमने बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारी राय सुनी, बहुत कुछ देखा, और यहाँ के लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बात यह है कि वो कहते हैं कि जो पहला दौर था उससे बहुत अच्छा है, अमन अमान है, चीज़ें बहुत बेहतर हुई हैं, लेकिन कुछ जो बेसिक ज़रूरियात हैं जैसे बिजली की, वहाँ पर लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, पावर कट है, पानी की प्रॉब्लम है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे। लेकिन लोगों को ये भी तो समझना चाहिए कि अभी तक वहाँ पे प्रॉपर कोई बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नर रूल के तहत वहाँ पे अमनो अमान को बेहतर बनाया जा रहा है, चीज़ें बेहतर हैं, लेकिन गवर्नर साहब भी जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खास करके जो सरकारी अफसरान हैं वो टाइम पे उनकी ड्यूटीज, उनका सब कुछ बेहतरीन किया हुआ है ताकि लोगों को मसले मसाइल ना रहे। पहले तो जो अफसरान है वो काम ही नहीं करते थे, आते ही नहीं थे, अब तो डॉक्टर से लेकर सब अफसरान, उनके टाइमिंग चेक होती है और बायोमेट्रिक सिस्टम से उनकी हाजिरी लगती है। ये बहुत अच्छी और ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान में भी ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती, ना ही वो अपनी ड्यूटीज पूरे सही तरीके से अंजाम देते हैं, बस अपनी रोजी को हराम किया हुआ है और इसी तरह से ही अफसरशाही चलती है। और ये पाकिस्तान की बर्बादी में से एक बड़ी वजह ये भी है कि यहाँ की ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपना काम नहीं करती। तो कश्मीर अभी बदल रहा है, वहाँ पे चीज़ें बेहतर हो रही हैं, धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ाया जा रहा है, अब जिस तरह से टूरिज्म बढ़ा है तो हालात धीरे धीरे बेहतर ज़रूर होंगे, और एक टाइम आएगा कि यहाँ जो पावर कट का मसला है वो भी हल हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ें जिसकी लोगों को प्रॉब्लम्स हैं वो भी दूर होती जाएगी, क्योंकि जैसे ही मीशत किसी भी जगह की बेहतर होती है तो वहाँ पर आसानियाँ खुद बहुत आना शुरू हो जाती हैं। तो लोगों का मूड तो यही बताता है कि वो इस दफा बीजेपी को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। कई हैं कि जो पिछली हुकूमतों पर डर के मारे अभी बात ही नहीं करना चाहते कि क्या किया उन्होंने, कैसे हालात रहे, उन सब चीजों को छोड़कर वो कहते हैं कि किसी और मुद्दे पे बात कर लें, इन चीजों पे हमने बात नहीं करनी। तो उन्होंने कहा कि जो पहले पाकिस्तान का नाम लेते थे यहाँ पे, पाकिस्तान का यहाँ पे दम भरते थे, आज वो भी समझ चुके हैं कि यहाँ पे भारत के साथ जो मिलेगा कश्मीर तो फिर ही वो बेहतर रहेगा। आफ्टर 370 लोगों में काफी बदलाव देखा गया है और लोग अब समझ रहे हैं कि उन्हें अपना मुस्तकबिल कैसे चुनना है। तो देखेंगे आने वाले टाइम में, समय भी कम है, क्या होता है अगला कश्मीर का मुस्तकबिल, कौन वहां पे हुकूमत बनाता है, या वहां पे गवर्नर राज ही ऐसे चलता रहता है जब तक के हालात और ज्यादा कंट्रोल में नहीं आ जाते। नहीं, देखें कि अब जो कश्मीर की आवाम है वो जान चुकी है कि जो उनको सहूलियात या जो वहाँ का सबसे मेन मुद्दा जो था अमन था, वो जिसने अमन बहाल किया वो आवाम जानती है कि भाई हमारा अमन लौटा है। तो देखिए कि इस साल में हर कोई यही कह रहा है कि इस साल से जो है भाई मेरे ये जो इंसान है ना, इसकी फितरत में है,
जो चीज हमारी दस्तरत में नहीं होती उसके लिए हम तड़पते हैं, जब वो हमारी दस्तरत में आ जाती है तो फिर वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती, फिर हमें और हमारी डिमांड बढ़ती जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन बात यह है कि देखिए वो अब ये हमारा वहां पे एक चीज जो है कि पुरअमन कश्मीर, बस यही सबकी ख्वाहिश है, इससे अलावा कुछ नहीं। लेकिन पुरअमन हो गया, अब आगे रोजगार के मसाइल, ये वो चीजें अब डिमांड्स बढ़ गई हैं लोगों की। और देखिए कि सबसे मेन मुद्दा है कि वो कह रहे हैं हमें बिजली और रोड दें, कि यहाँ की सैर व सियाहत बढ़े, यहाँ के जो टूरिज्म आ रहे हैं, जो टूरिज्म यहाँ पे चल रहा है उसको फ्रोग दे रहे हैं वो और ज्यादा हो, क्योंकि रोड खुले होंगे वहां पे बिजली होगी तो ऐसी चीजें जो है वो ज्यादा वहां पे लोगों का रुझान होगा, लोगों को पता होगा कि वहां पे ये चीजें वहां पे आसाइशें हैं। जब लोगों को ये पता होगा कि वहां पे तो बिजली तक जो है वो पता नहीं कब आएगी कब नहीं आएगी, तो लोग जो है वो उसको एक तरह से इग्नोर करते हैं। लेकिन वहां पे इतना तारीखी मंदिर है, 1300 साल पुराना मंदिर, तो उसके लिए भी जो है लोग वहां पे जाते हैं। बिल्कुल जी, आप देखिए कि ये जो इलाका है, ये जो सबका वजीर आला है, जो वहां की महबूबा मुफ्ती साहिबा, उनका इलाका है, तो आप उनके इलाके के हालात देख सकते हैं कि जहाँ से वो मुंतकिब होती रही हैं, तो ये हालात हैं उनके इलाके के, तो बाकी उन्होंने क्या किसी जगह पे करना है, तो इन चीज़ों को देखते हुए देखना चाहिए कि हमेशा से आप अगर इलाके में कुछ बेहतरी की होती तो आज लोग आपकी जो है ना इज्जत भी कर रहे होते और आपको वोट भी देते, लेकिन आपने सिर्फ अपने इलाके के लोगों के नाम पर, उनके नाम पर जो चंदे हैं, जो पैसे हैं वो ही खाए हैं, उनके नाम की जो योजनाएँ थी वो इंडिया गवर्नमेंट से आप लेते रहे और खुद अपनी याशियां करते रहे हो। लेकिन इस दफा देखिए, जब से ये गवर्नर राज लगा हुआ है तब से कश्मीर में बहुत ज्यादा तब्दीलियां आई हैं, तो एकदम से तो सारे का सारे जो इलाका है वो ठीक नहीं हो सकता। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पे पूरी सुविधाएं जो है ना वो पहुंचाई गई हैं, सड़कें बेहतर की गई हैं, रेलवे के ट्रैक बिछाए गए हैं और बहुत सारे काम किए गए हैं, हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, स्कूल्स बनाए गए हैं। हाँ, अभी जो दूर दराज इलाके हैं वहां पे पहुंचने में टाइम लगेगा, अब इलेक्शन सर पे है, अगर वहां पे गवर्नमेंट बीजेपी की बन जाती है, गवर्नर राज के खत्म हो जाता है, तो जब सिविलियन गवर्नमेंट आएगी तो वो फिर अपने अपने इलाकों में बेहतरीन काम करेगी। जहां तक मुझे नजर आ रहा है कश्मीर में तो बेहतरीन काम होगा, बाकी इलाकों में भी हो रहा है, मैं हमारी ये दुआ है कि वहां पे भी और ज्यादा तरक्याती काम हो, लेकिन कश्मीर में जिस तरह से ये बेहतरी आई है और जिस तरह से अमन कायम हुआ है ये सबसे बड़ी बात है, तो डेवलपमेंट तो आस्ता आस्ता चलती रहेगी। अभी जो सिर्फ 4 साल हुए 370 हटने में, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से हमें था उस तरह से हमें फायदा नहीं हुआ, लेकिन भाई फायदा हुआ है ये सभी मान रहे हैं, पहले से हालात बेहतर हुए हैं ये सभी मान रहे हैं, लेकिन और होने चाहिए, ये तो डिमांड है इंसान की, हर एक बंदा चाहता है कि आसानियां आए, बीजेपी गवर्नमेंट वहां पे बनेगी बीजेपी, बिल्कुल ये आस्ता आस्ता ही होता है, एकदम से नहीं हो सकता, पहले से बेहतरी आई है ये सभी एक्सेप्ट कर रहे हैं, किसी ने भी इसको डिनाय नहीं किया। चलिए जी, हम भी उम्मीद है कि कश्मीर के हालात बदले, हमारे कश्मीर के भी हालात बदले, हमारे पाकिस्तान के भी हालात बदले, हर जगह पे अमन और खुशहाली होनी चाहिए और लोग खुशहाल होने चाहिए। आई होप सो ये वीडियो अच्छा लगे आपको, लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।